बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सिलसिला वज़ाइफ़ में से आज का हमारा वजीफ़ा उन वालिदैन के लिए, खसूसन जिनके बच्चे और बच्चियों के रिश्ते नहीं आते और वो इंतहाई परेशान हैं। उम्र गुजर रही है और हालात जैसे चल रहे हैं वो हम सबको पता है, और वो वालिदैन बेचारे बड़े परेशान हैं कि कोई माकूल रिश्ता मिल जाए और अपने बच्चे बच्चियों का वज़न उठाए सर से। तो उनके लिए अगर वो खुद करना चाहें खुद कर लें, या वो बच्चा या बच्ची करना चाहे उसके लिए भी इजाज़त है, वो भी कर सकती है इंशाअल्लाह। 7 दिन ये आप वजीफ़ा करें, अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह, अल्लाह पे यकीन रख के आप ये वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि माकूल रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। फिर अल्लाह पाक के दुआ भी करें और उसके बाद सदका भी थोड़ा दे दें, ताकि अल्लाह पाक उस रिश्ते में आपके लिए खैर फरमाए और आपके बच्चों के लिए भी खैर। वो वजीफ़ा यूँ है, 313 बार, ये 3 अल्लाह के नाम है, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, 3 नाम है ये अल्लाह पाक के। आपने 313 मरतबा इसको फजर की नमाज के बाद पढ़ना है, फजर की नमाज के बाद। और 2 नाम और हैं, या बासितु, या लतीफ़ु, ये भी 313 बार हैं, लेकिन इनको मगरिब के बाद पढ़ना है, ठीक है जी। ये 2 काम आपने करने, ठीक है। एक या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये 313 बार फजर की नमाज के बाद, फिर उसके बाद या बासितु, या लतीफ़ु, ये मगरिब की नमाज के बाद आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने दुआ मांगनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप देखेंगे 7 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह पाक गैब से आपके लिए माकूल रिश्ते भी भेजेगा और माकूल रिश्ते भी आएंगे और अल्लाह पाक आपके घर भी बसाएंगे, और वो वालिदैन जो इनकी वजह से परेशान है अल्लाह पाक उनके दिल को भी ठंडक नसीब फरमाएंगे। और जब ये हो जाए फिर उसके बाद आप हल्का फुल्का जितना भी हंसबे तौफीक है आप सदका करें इंशाअल्लाह। आप इस वजीफे को करें और अल्लाह पाक से खैर की दुआ भी मांगें, इंशाअल्लाह बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाए।